हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हमारा वीडियो है अर्थ के चक्रास पर और थोड़ा बहुत ब्रीफ कि हम ग्रिड को रिपेयर कैसे करते हैं वी ट्विन फ्लेम्स। तो सबसे पहले मैं सारे ट्विन फ्लेम्स को जिन्होंने कल हमारे वेबिनार के लिए एनरोल किया है, द ट्रू लाइट वर्कर्स, उन सभी को मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है। और मदर अर्थ के लिए आपने एनरोल किया है तो आप बधाई के पात्र बनते हैं। अपने डीएम या डीएफ के लिए तो हर कोई कर सकता है, बट जिसने मदर अर्थ को चूज़ किया है वो ट्रू लाइट वर्कर है, बधाई का पात्र है। और इसीलिए मैंने आज आउट ऑफ द एक्साइटमेंट और खुशी के एक चीज़ सोची है जो मैं वर्कशॉप में आपको देने वाली हूँ। एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप मैं आपको एक टिप दूंगी सारे ट्विन फ्लेम को, हाउ टू बूस्ट द यूनियन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आपकी यूनियन की फ्रिक्वेंसी को, ट्विन फ्लेम यूनियन की फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आपको उस वीडियो के एंड में दी जाएगी मेरी तरफ से। तो बहुत सारी बधाइयों के साथ चलिए अब हम ये आज का वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सुनते हैं कि अर्थ के चक्रास के बारे में और कैसे हम ट्विन फ्लेम्स ग्रिड को रिपेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी को प्रणाम करते हुए और यूनिवर्स का ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स लेते हुए हम आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर जो डिवाइनली गाइडेड बातें होती हैं, जैसे कि मदर अर्थ के ग्रिड को हील करना, ये वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है और उसी का कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीडियो में हमने मदर अर्थ के ग्रिड के बारे में जाना था, उनकी ले लाइंस के बारे में जाना था, उनके नोड्स के बारे में जाना था। आज हम मदर अर्थ के चक्रास के बारे में जानेंगे। जी हाँ, मदर अर्थ के भी चक्रास होते हैं जैसे हमारे होते हैं। आज हम उनके सिर्फ 7 चक्रास के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि वो कहाँ लोकेटेड हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है और मदर अर्थ की ग्रिड को हील करना इतना ज़रूरी क्यों है और उसमें हमारा क्या हिस्सा है, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आइकोसाहेड्रॉन एंड डोडेकाहेड्रॉन को कंबाइन करके दो प्लेटोनिक सॉलिड्स जो हैं उनको कंबाइन करके जो शेप बनता है मदर अर्थ का, जो ग्रिड बनता है वो ये है, जिसके 33 नोड्स हैं। और अर्थ मदर अर्थ के सेंटर में, कोर में जो एक नोड है वो जो की नोड है, जहाँ से सारे 32 नोड्स कनेक्ट होते हैं और उन सब में स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होती है और इन ले लाइंस और नोड्स के थ्रू हमारे अंदर डाउनलोड होती है, जिस वजह से हमारा असेंशन होता है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मदर अर्थ जो है वो एक कॉन्शियसनेस है, वो एक सोल है जो इवॉल्व हो रही है। जैसे हमारी असेंशन की जर्नी है, वैसे ही मदर अर्थ की असेंशन की जर्नी है। उनकी असेंशन की जर्नी में उन्होंने जो बेड़ा उठाया है कि वो सोल्स को इवॉल्व होने का मौका देंगी, उन्हें असेंड होने का मौका देंगी, और जब जैसे जैसे उनके सोल्स का असेंशन होगा उनका भी असेंशन होगा। इसलिए मदर अर्थ जो है खुद एक कॉन्शियसनेस है, उनकी खुद एक बॉडी है जिसके अंदर 7 चक्रास हैं। ठीक है, अब जैसे एक बॉडी होती है, बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो सेल्स बना के एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक बॉडी बनती है। उसी प्रकार हम जो हैं मदर अर्थ के छोटे छोटे सेल्स हैं जो पूरे अर्थ पे फैले हुए हैं। वी क्रिएट मदर अर्थ। ठीक है, नेचर में आपको जो भी कुछ कहीं भी दिखता है वो सेल्स ऑफ मदर अर्थ हैं और हम सब मिल करके उनके ऑर्गन्स को नरिश करते हैं जो कि उनके चक्रास हैं, और उसके बाद वो ऑर्गन्स, वो चक्रास मदर अर्थ को नरिश करते हैं और उनका असेंशन होता है क्योंकि वो उनका असेंशन पाथ है। ठीक है, उनकी बॉडी जो है वो अर्थ, जो फिजिकल अर्थ है वो उनकी बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी होती है, तो उनका भी असेंशन चल रहा है, उनका भी एक लाइफ साइकिल है। हम जो है उनके सेल्स हैं, हम उनके छोटे छोटे हिस्से हैं, और जब तक एक बॉडी के सेल्स हेल्दी नहीं होंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अच्छे से अपना काम नहीं करेंगे, तब तक बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी में कैंसर हो जाता है
तो कुछ कैंसरस सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर जिनको हील करना पड़ता है, तो कुछ सेल्स जो है वो हीलिंग का काम करते हैं। तो हम जो है ट्विन फ्लेम्स जो हैं, हम वो हीलिंग का काम करने वाले सेल्स हैं, ठीक है। इसलिए हमारी जर्नी जो है इतनी कठिन होती है। पहले हमें सीखना होता है कि अपने आप को हील कैसे करना है। इसलिए हमारे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतने सारे इश्यूज आते हैं, ताकि हम खुद को हील कर सकें। जब हम खुद पहाड़ चढ़ना सीख जाएंगे तो दूसरों को सिखाने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अगर आप कठिन से कठिन वूंड को हील कर लेंगे और एकदम नए जैसे बन जाएंगे, जैसे कि आपके साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं था, आप एकदम फ्रेश बन जाएंगे, एकदम ब्रांड न्यू बन जाएंगे, तो आप दूसरों को भी हील करना सिखा सकेंगे। आपका असली काम है हीलर बनना और मदर अर्थ के ग्रिड को हील करना, ठीक है। इसीलिए हमारी लाइफ में इतने सारे इश्यूज होते हैं जो हमें हील करना पड़ता है। अब मदर अर्थ की ग्रिड को हील करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये चक्रास से कैसे कनेक्टेड है, इस चीज़ को नेक्स्ट समझेंगे। तो ये है मदर अर्थ के चक्रास के लोकेशंस। अब इन चक्रास के लोकेशंस जो हैं, जो मदर अर्थ के ले लाइंस जो हैं, इस स्लाइड में जो हमने देखा, मदर अर्थ के ले लाइंस कई जगह इंटरसेक्ट करते हैं और उन जगहों पर जो है मदर अर्थ के चक्रास प्लेस्ड हैं। तो कहा जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इमेंस हीट और प्रेशर फायर एलिमेंट की वजह से उग कर ज़मीन से बाहर आया है, और फायर एलिमेंट ही सोलर प्लेक्सस चक्रा का एलिमेंट है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है बंजर ज़मीन है, सिर्फ डेजर्ट है, और उसके बीचों बीच ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर जो सैंडस्टोन और सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, और ये जो रॉक्स हैं वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी हीट और प्रेशर में ही बन सकते हैं। तो अर्थ के अंदर से जो एनर्जी आती है उसकी वजह से ये रॉक्स जो है बाहर आए हैं, और ये अर्थ का सोलर प्लेक्सस चक्र है। नेक्स्ट आता है हार्ट चक्र, जो कि इंग्लैंड में लोकेटेड है, स्टोनहेंज। हार्ट चक्र का एलिमेंट है एयर, और ये लैंड के अबव स्टोन से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है, जिनके जिस जगह पर बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी रहती है। कई लोग इस साइट को विज़िट कर चुके हैं, और वन ऑफ़ द मोस्ट हेरिटेज साइट्स ऑफ द वर्ल्ड में इसको माना भी जाता है। यहाँ पे लोग आते हैं तो उन्हें बहुत पीस और हीलिंग मिलती है, और ये मदर अर्थ का जो है हार्ट चक्रा है लोकेटेड इन इंग्लैंड। और आपको तो पता ही है कि हमारे अर्थ पे ये ट्रेडिशन रहा है कि जहाँ जहाँ एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल रही है, एंशंट सिविलाइजेशंस ने वहाँ पर मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स बनाए ही बनाए हैं। मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हज़ारों हज़ारों साल तक टिके रहते हैं, उसको मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जो एंशंट सिविलाइजेशंस ने बनाया हो। स्टोनहेंज एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है जिसे एक एंशंट सिविलाइजेशन ने इस हार्ट चक्रा के वोर्टेक्स पे बनाया था, जो आज तक खड़ा है। नेक्स्ट आते हैं हमारा थ्रोट चक्रा। पिरामिड्स के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा एट इन इजिप्ट, ये हमारा थ्रोट चक्रा है। ये भी एक मेगालिथिक स्ट्रक्चर है जो एक एंशंट सिविलाइजेशन ने बनाया है। पिरामिड्स के ऊपर चर्चा हम फिर किसी दिन और करेंगे कि ये किसने बनाया है और क्यों बनाया था, पर ये हमारी अर्थ का थ्रोट चक्रा है। इनफैक्ट यहाँ पर आसपास दो और एरिया हैं जो जेरूसलम में है, और माउंट सिनाई एक इजिप्ट में एक जगह है वहाँ भी है। इन तीनों जगहों को कंबाइन करके अर्थ का थ्रोट चक्रा बनता है। कई सिविलाइजेशंस ने पिरामिड का सही इस्तेमाल भी किया है, और कई उन्हें गलत इस्तेमाल भी किया है, और कई तो समझ भी नहीं पाए हैं कि पिरामिड्स का असली मकसद क्या है। पिरामिड्स जो है कई बार अर्थ से बाहर दूसरे प्लैनेट्स और सिस्टम्स और गैलेक्सी से कम्युनिकेट करने के लिए भी यूज़ किए गए हैं, इसलिए ये अर्थ का थ्रोट चक्रा माना जाता है। यहाँ से एनर्जी रेडिएट करती है, और जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, आपको तो पता ही है कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है वो क्यों की जा रही है, ताकि अर्थ के चक्रास हील ना हो पाए, उनके वोर्टिसेस, उनके पोर्टल्स, उनके स्टारगेट्स, उनके जो नोड्स हैं वो सब खुल ना पाए और अर्थ में असेंशन इन्फॉर्मेशन ना आ पाए। तो ये सब जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि एनर्जी सेंटर्स जो मदर अर्थ के हैं उनको हाईजैक किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, उन्हें हील करने का मौका ना दिया जाए, इसीलिए ये सारे वॉर्स होते हैं।
अगला जो है हमारा थर्ड आई चक्रा जो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया पहले, इस चक्रा की पोजीशन जो है वो बदलती रहती है। ये पहले चक्रा रशिया के ऊपर हुआ करता था और अब मूव करके जो है स्टोनहेंज के पास आ गया है। और ये चक्रा जो है ये कॉन्स्टलेशंस की पोजीशंस के अनुसार मूव करता रहता है। तो हम एज ऑफ एक्वेरियस में जब से घुसे हैं, जिसको एज ऑफ अवेकनिंग कहा जाता है, तब से ये चक्रा जो है स्टोनहेंज के पास आकर के शिफ्ट हो गया है इन ग्लास्टनबरी एंड शाफ्ट्सबरी, दो एक छोटे छोटे शहर हैं इंग्लैंड में, वहीं आकर के ये शिफ्ट हो गया है। क्योंकि मदर अर्थ जो है वो हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा के थ्रू हीलिंग एनर्जी पूरे अर्थ में रेडिएट करती हैं, लव की एनर्जी। तो आपको तो पता ही है कि हम जो है फिफ्थ डिमेंशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो फिफ्थ डिमेंशन जो है वो इट्स अ डिमेंशन ऑफ लव, अनकंडीशनल लव, जिसके बारे में हमने इस चैनल पे इतने सालों से बात की है। तो इसीलिए जो थर्ड आई चक्रा है वो हार्ट चक्रा के साथ अलाइनमेंट में इस वक्त काम कर रहा है मदर अर्थ में, और हीलिंग वाइब्रेशन और अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन को हर जगह रेडिएट करने के लिए वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। और इसी अनुसार थर्ड आई चक्रा का पोजीशन जो है वो बदलता रहता है। जब मदर अर्थ 60-70 में असेंड करेंगी तो थर्ड आई चक्रा की पोजीशन चेंज हो जाएगी और वो दूसरे चक्रास के साथ काम करके उस तरह की एनर्जी को मदर अर्थ में स्प्रेड करेगी। इस वक्त हमें अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है 5D में जाने के लिए। इसलिए थर्ड आई चक्रा जो है वो हार्ट चक्रा के पास आ गया है और वहीं पर वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। फाइनली हमारा आता है क्राउन चक्रा, जो लोकेटेड है माउंट कैलाश में। अब इसकी एक्सप्लेनेशन तो मुझे आपको देने की ज़रूरत है नहीं, जहाँ खुद शिव जी, शिव शक्ति का वास होता हो, वो क्राउन चक्रा ही तो हो सकता है ना। शिव शक्ति कहाँ मिलते हैं, थर्ड आई के ऊपर ही तो मिलते हैं। तो इसकी लोकेशन जो है टिबेट में है और ये स्टेशनरी चक्रा है, ये कभी नहीं बदलता है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि इंडिया में ही क्यों स्पिरिचुअलिटी का वास होता है? दुनिया में स्पिरिचुअलिटी का सेंटर जो है वो इंडिया में ही है। ये चक्रा शब्द संस्कृत का ही तो शब्द है। ये सारे स्पिरिचुअल लैंग्वेजेस जो है, रिचुअल्स जो है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, चाहे वो चक्रास के बारे में हो, मेडिटेशन के बारे में हो, योगा के बारे में हो, कहाँ से आई है? इंडिया से आई है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास ही माउंट कैलाश जो है, वहीं से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है हमारे लिए खुलता है और यूनिवर्स से हमें इन्फॉर्मेशन आती है और हम परमात्मा से कनेक्ट कर पाते हैं। आखिर कोई तो वजह है कि जो स्पिरिचुअलिटी है उसका वास इंडिया में ही हुआ है, क्योंकि क्राउन चक्रा इंडिया के पास लोकेटेड है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वजह है। और आपको तो पता ही है कि टिबेट और पे चाइना का कंट्रोल है और वहाँ पर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फ्री टिबेट के बारे में बहुत सारे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। तो हर चक्रा को हाईजैक करने की, कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई है नेगेटिव तत्वों से पूरी दुनिया में, कि किसी तरह के किसी के मदर अर्थ के जो चक्रा से वो हील ना हो पाए, खुल ना पाए। लेकिन वो रोक नहीं सकते इस प्रोसेस को, वो भी अपना काम ही कर रहे हैं। उनका काम है हमें चैलेंज करना, ठीक है। इस बहुत ही पुराने मेरे एक वीडियो में मैंने कहा था कि लाइट का काम है लाइट फैलाना और डार्कनेस का काम है उसको रोकना और कहना कि हम तुम्हें लाइट नहीं फैलाने देंगे, ताकि लाइट जो है वो और उभर के सामने आए। जब लाइट को डार्कनेस परेशान करती है, तभी लाइट जो है वो चीड़ फाड़ के बाहर आती है और शाइन करती है। तो वो चमक लाने के लिए, एक डायमंड में चमक लाने के लिए उसको बड़ा घिसना पड़ता है। तो डार्कनेस जो है बहुत बड़ा काम करती है, हमें घिसती है, हमें घिस घिस के हमारी चमक को बाहर लाती है। जितनी कष्ट हम सहते हैं ना, हम उतना ही ब्राइट शाइन करते हैं। जितनी ज़्यादा डार्कनेस होगी उतना ही ज़्यादा लाइट होगा। तो ये जो तत्व हैं कोशिश करते हैं कि सारे चक्रास को हाईजैक किया जाए, सारे जो अर्थ की ग्रिड है उसको डैमेज किया जाए, ताकि चक्रास से एनर्जी फ्लो ना हो पाए। तो चलिए वापस उस स्लाइड पर चलते हैं जहाँ मदर अर्थ के सारे चक्रास हमने देखे हैं। तो मदर अर्थ की ग्रिड को रिपेयर करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे हम लोग चक्रास करते हैं घर पे, तो रूट चक्रा पहले हील होता है, फिर सेक्रल चक्रा हील होता है, सोलर प्लेक्सस, धीरे धीरे रूट चक्रा से एनर्जी ऊपर उठती है और क्राउन चक्रा तक जाती है। तो अगर कोई भी एक चक्रा ब्लॉक हो जाए तो फिर ऊपर वाले चक्रास को एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है और उन्हें हील करना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी वक्त लगता है और उनकी हीलिंग ठीक से हो नहीं पाती है, ठीक है।
तो अगर अर्थ की ग्रिड जो है वो डैमेज्ड है तो एक चक्रा से दूसरे चक्रा तक एनर्जी प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगी और मदर अर्थ की असेंशन नहीं हो पाएगी। तो मदर अर्थ की असेंशन को प्रॉपरली करने के लिए सारे चक्रास के बीच में एनर्जी जो है बहुत ही संतुलित तरीके से फ्लो करनी चाहिए। इस वजह से मदर अर्थ की ग्रिड को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो जब हम चक्रास करते हैं, हम अपने चक्रास को हील करते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, बॉडी में जो सेल्स होते हैं जब वो अपना काम ठीक से करते हैं तो पूरी बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन करती है। तो आप अगर अपने चक्रास को हील करोगे तो उसके बाद आप मदर अर्थ की ग्रिड को हील करने में रिपेयर करने में हेल्प कर सकते हो। तो जब मदर अर्थ की ग्रिड रिपेयर होगी तो उसके बाद उनके चक्रास जो हैं उनके बीच में एनर्जी प्रॉपरली फ्लो करेगी तो जितने भी लोग हैं जो अनअवेकेंड हैं वो भी अवेकेंड होंगे, उनके अंदर भी स्पिरिचुअल नॉलेज जाएगी। अब जैसे हमारी अवेकनिंग पाथ है, हमें बताया गया, सिखाया गया कि हमें चक्रास करने हैं, हम करते हैं, लेकिन जो मास पॉपुलेशन है अर्थ का उन्हें ये सब थोड़ी पता है, उन्हें वो ये सब समझ भी नहीं सकते हैं, तो उनकी हीलिंग कैसे होगी, उनकी असेंशन कैसे होगी? तो मदर अर्थ के चक्रास जब हील होते हैं तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो ले लाइंस के थ्रू, नोड्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स जो है वो अब्सॉर्ब करते हैं, तो उनकी भी हीलिंग होती है, उनकी भी असेंशन होती है। अगर माउंट कैलाश पे जो क्राउन चक्रा है वो पूरी तरह खुल जाए, पूरी तरह एक्सेसिबल हो जाए हमें और वहाँ तक एनर्जी ईजिली फ्लो करे, तो सतयुग आने में देर नहीं लगेगी, हमारा प्लैनेट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हार्ट चक्रा से जो हीलिंग और लव की एनर्जी रिसीव होती है वो प्रॉपरली रिसीव होने लगे हर जगह, हार्ट चक्रा पूरी तरह खुल जाए, तो मदर अर्थ में जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी अनकंडीशनल लव की, उससे सबकी हीलिंग होगी। तो ये प्रोसेस ऐसे काम करता है कि सबसे पहले हमें अपनी हीलिंग करनी है, हमें अपने सारे चक्रास को अलाइनमेंट में लेके आना है, अपनी क्लेंजिंग करनी है जिससे कि हम पोर्टल्स बन सकें, हम एनर्जी के पोर्टल्स बन जाते हैं, तो डिवाइन से जो है हाई वाइब्रेशनल हीलिंग एनर्जी हमारे थ्रू फ्लो करती है, हमारे ऑरा के थ्रू हमारे चारों तरफ फ्लो करती है और वो अर्थ की ग्रिड को रिपेयर करती है। ग्रिड को रिपेयर करने का मतलब है कि जितने भी ले लाइंस हैं, जितने भी नोड्स हैं, वहाँ की एनर्जी को क्लियर करती है और उन नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन को क्लियर करती है। उससे क्या होता है कि सारे चक्रास के बीच में जो एनर्जी है बहुत ही क्लियरली फ्लो होती है, सारे चक्रास भी हील होते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो धरती के बहुत ही अलग अलग लोकेशंस पे प्लेस्ड हैं, जैसा कि गुरुजी ने बताया अपने रीसेंट वीडियो में कि कई ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं, कई डीएफ्स ऐसी हैं जिनको मूव करना पड़ा है, शिफ्ट करना पड़ा है, मुझे खुद शिफ्ट करना पड़ा है। मैं तो इंडिया में पैदा हुई थी लेकिन मुझे अमेरिका शिफ्ट करना पड़ा बहुत ही कम उम्र में, क्योंकि मेरा ट्विन यही है। तो आपको शिफ्ट करना पड़ा होगा जहाँ आपके ट्विन है या आपके ट्विन आपके पास आए होंगे, क्योंकि आपका जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन अर्थ पे सेट है जहाँ जिस चक्रा पे आपको काम करना है, जिस अर्थ के जिस चक्रा के लोकेशन पे, क्योंकि ग्रिड को आपको हील करना है, आपकी लोकेशन वहीं पे कराई गई है और आपको वो काम करना है। नौ कई बार ऐसा भी होता है कि ट्विन फ्लेम्स ट्रैवल करते हैं और जाकर के दूसरी जगह के ग्रिड को रिपेयर करते हैं, वो सब डिवाइनली गाइडेड होता है। आपको लगेगा कि आप छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन छुट्टियां मनाने आप नहीं जा रहे हैं, वो डिवाइनली गाइडेड है। एक बार आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हैं तो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, आपकी नौकरी, आपकी फ्रेंड्स, आपका घर, आप किसी से बात करते हो, आप कुछ भी करते हो, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है और वो सबका उसके पीछे एक पर्पस है मदर अर्थ को हील करने का। तो कोई भी बिना मतलब के आपसे भगवान एक भी छोटा सा भी काम नहीं करवाएंगे। तो उसी तरह से अगर आप ट्रैवल भी करते हो, आपको लगता है आप वेकेशन हॉलिडे मनाने जा रहे हो, नहीं, आप उस जगह की ग्रिड को हील करने जा रहे हो, क्योंकि आप खुद इतने हाई वाइब्रेशनल बन चुके हो और आप एक पोर्टल बन चुके हो, एक कॉन्डुएट बन चुके हो, एक जरिया बन चुके हो भगवान जी को हीलिंग एनर्जी, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को स्प्रेड करने का। आप जहाँ भी जाओगे आपके ऑरा के थ्रू वहाँ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी स्प्रेड होगी ही होगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप हॉलिडे मनाने जा रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप उस जगह की ग्रिड को रिपेयर करने जा रहे हो। तो आप अपनी लाइफ में ऐसा समझो, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि मैंने ये पूरा जीवन ही मदर अर्थ की सर्विस में दे दिया है। इसका मतलब अब मेरे अपने कोई एम्बिशंस और डिज़ायर्स नहीं है, अब मेरा जो भी करना है मुझे मदर अर्थ के काम करने के लिए ही करना है। अब मेरी कौन सी जॉब होगी, मैं कहाँ घूमने जाऊँगी, मैं कहाँ रहूँगी, ये सब मदर अर्थ की ग्रिड को रिपेयर करने के अनुसार होता रहेगा और मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार डिवाइन को सरेंडर कर दिया और उनको बोल दिया
कि भगवान जी मेरा जीवन अब इस काम के लिए मैं आपको गिफ्ट में देती हूँ, जो कि देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये लाइफ दी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्यार से उन्हें देती हूँ और कहती हूँ कि अब आप मेरा इस्तेमाल करिए, आप मुझे जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं करिए, मुझे जहाँ भेजना चाहते हैं भेजिए, जिस करियर में लगाना चाहते हैं लगाइए, आप मदर अर्थ की ग्रिड को रिपेयर कराइए, मैं अपने आप को आपको सौंपती हूँ, मेरा दिमाग आपका, मेरा शरीर आपका, मेरी सोच आपकी, मेरी आत्मा आपकी, मुझे कुछ नहीं पता, बस अब आप देखिए, और अपने आप को मैंने उनको सौंप दिया है और आपको भी यही करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम मदर अर्थ की ग्रिड को रिपेयर कर सकें। और जितनी जल्दी हम रिपेयर करेंगे उतनी जल्दी जो है सारे नोड्स, सारे ले लाइंस के बीच में एनर्जी फ्लो करेगी, सारे चक्रास जो है वो हील होंगे, और जैसे ही चक्रास हील होते हैं तो सारा जो कलेक्टिव है वो भी हील होता है, ठीक है। तो हम जो है हम हीलर्स हैं, हम वो सेल्स हैं बॉडी में, वो सेल्स जो होते हैं जो फाइट करते हैं डिजीज़ से, हम वो सेल्स हैं, हम क्लीनिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। तो जब ऑर्गन्स जो हैं, जो मदर अर्थ के चक्रास जो है वो हील हो जाएंगे, तो बाकी सारे सेल्स हैं उनको भी हीलिंग मिलेगी, उनको भी असेंशन मिलेगा, उनको भी नरिशमेंट मिलेगा, तो बाकी सारे जो लोग हैं अर्थ पे उनका भी असेंशन होगा। तो बात हमसे शुरू होती है, हमें पहले अपने आप पे काम करना है, अपना इनर वर्क करना है, उससे हम अब कॉन्डुएट बनेंगे, एक पोर्टल बनेंगे जिससे हम ग्रिड को हील करेंगे, ग्रिड हील होगा तो चक्रास हील होंगे, चक्रास हील होंगे तो चक्रास के बीच में एनर्जी फ्लो होगी, एनर्जी फ्लो होगी तो पूरे कलेक्टिव की असेंशन होगी। कलेक्टिव की असेंशन होने का मतलब है अर्थ के सारे सेल्स, मदर अर्थ के सारे सेल्स जब असेंड होंगे तो इसका मतलब मदर अर्थ भी खुद असेंड होंगी, जो कि हमारा मिशन है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आई लव यू ऑल सो मच, लव यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।